हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये गोबर के ईंटे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एक नए प्रोडक्ट के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप जान पाओगे। दोस्तों, ये है गोबर, जिसे बायोब्रिक्स बोल सकते हो या जैविक ईंटा भी बोल सकते हो। दोस्तों, इस ईंटे को बनाने का पर्पस क्या है, ये कैसे बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। साथियों, इस ईंट को बनाने के लिए प्रकृति के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है। साथियों, इस ईंटे को सुखाने में भी कोई वो नहीं किया गया है, सूर्य के माध्यम से ही सूख जाता है। ये बहुत ही कम समय में, 14 से 15 दिन में ये आपको फाइनल ईंटा प्राप्त हो जाता है। साथियों, ये ईंटा बनाने के लिए ना तो किसी तरह के भट्टे में जलाने की ज़रूरत पड़ती है, सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वही सारे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कुछ तरह के गोबर में, गाय के गोबर गोबरों में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। वो प्रोटीन और हमने इसमें चूने और कुछ पदार्थ मिला रखे हैं, जो आपस में बायोकेमिकल रिएक्शन करके बाइंड होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपस में ये बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद हम इसे एक सांचे के माध्यम से इसको एक आकार दे देते हैं, और उसके बाद ये एक उसमें बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप पता जानते हैं कि आज की अंधाधुंध विकास में सीमेंट और तरह तरह के ईंट हर जगह एक्सकावेटर द्वारा उसकी खुदाइयाँ हो रही हैं, और फिर उस खुदाई हो कर करके भट्ठे में लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जंगलों पेड़ों को काटा जा रहा है, ये हर बिल्कुल चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। साथियों, एक छोटा सा विकल्प के रूप में हम यह रख सकते हैं, इस ईंटे का उपयोग गौशाला बनाने में या फर्श वगैरह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव, ये कैसे बन रहा है इस पर बात करेंगे। साथियों, एक सांचे के माध्यम से हम इसको कर लेते हैं, और जब ये रिएक्शन और बाकी सारा प्रोसेसिंग कर लेता है, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी गंध बाकी नहीं रह जाती है, और ये बिल्कुल पर्यावरण के लिए भी इसमें कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं होती है। बहुत ही एक्सेप्टेबल है, बहुत ही अडॉप्टेबल है, एनवायरनमेंट के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं किया गया है। अभी दोस्तों, हमने एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया था, अभी हमारे पास सांचा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब हमें इसका सोल्यूशन मिल गया है, तो हम जल्दी वो आपको बताएंगे। इसमें बहुत अच्छा ही सांचा नहीं है, लेकिन हम इसके साथ काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट में जब आप मिलोगे तो वही ये सारी दिक्कतें हम ओवरकम आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस ये सारी चीज़ें कि कैसे हम इसे बना रहे हैं, कैसे बन पा रहा है, ये सारे, जैसा कि आपने शुरू में देखा था कि ये जो चूर्ण है वो गोबर का चूर्ण था, उसे हमने बाद में चाल दिया था जिससे वो महीन मिल जाए, और उसको हम इसके साथ मिक्स करके हम अपना काम कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप की जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा रोहतक में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर के काम किए हैं। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं, आप उनको गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं भी सर्च मारोगे तो आपको अपीयर हो जाएंगे, के बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। कई बार उन्हें वर्ल्ड बैंक द्वारा और बड़ी बड़ी एजेंसियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो एक ये मैंने उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनसे ट्रेनिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं लिया है, ये अपना एक प्रैक्टिकल, एक अपना इनिशिएट है। और सो अब तो उनके पास हर जगह से लगभग कॉन्ट्रैक्ट के वो आ रहे हैं, तो बहुत जगह वो लोग घर बना, ऐसा कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले हरियाणा में एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि कंक्रीट और सीमेंट वगैरह बिल्डिंगें बनाते थे, तो उन्होंने अपने रहने के लिए, क्योंकि रहने के लिए उन्होंने इस तरह से एक मकान बनवाने की पेशकश की थी, और उनका फाइनली बना अभी कुछ दिन पहले ही। तो दोस्तों, लोग इसमें रहने का एक ऑप्शन ये है कि इसमें बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा जैसे जो एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल ठंड गर्मी में ये अंदर में गर्मा ठंड रखेंगे, और वातानुकूलित इनका बिहेवियर होता है।
तो इनकी डिमांड का सेंस जैसे पहले के समय में होता था, हमारे जो घर बने होते थे तो उसमें इस तरह से होता है कि जो अंदर वाले कमरे होते हैं ठंडियों के दिन में भी गर्म और गर्मी के दिन में वो, बाहर तो गर्मी होती थी लेकिन अंदर में ठंडक होती थी। तो दोस्तों ऐसा अभी बहुत सारे लोग अप्लीकेबल कर रहे हैं, तो हम लेकिन हमने अपनी अपने आप को दिखाने के चक्कर में कि हमने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है, बहुत सारा हम विज्ञान के युग में आ गए हैं, तो हमने थोड़ा सा अपनी ट्रेडिशन चीज़ों को ऐसा लात मार दिया ना कि हम शायद हमारी आने वाली जनरेशन शायद उसके बारे में कुछ जानेगी भी नहीं कि हाँ वास्तव में ये ऐसा कुछ हुआ भी करते थे। सो दोस्तों ये थोड़ा सा एक इनिशिएटिव है कि हाँ तो थोड़ा सा किया जाता। अभी राजस्थान में कुछ जगह गो आधारित पेंट और बाकी भी चीज़ें आई हैं, जिससे क्या क्या होता है कि इन सब में भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी का सेंस ये होता है कि इन्वायरमेंट इनको देने के लिए ना तो किसी गर्माहट या इन्हें किसी भट्ठे में तो दिया नहीं गया है, इनको किसी तरह की एनर्जी बाहर से प्रोवाइड नहीं की, ये सूर्य से के जैसा के तैसा ही प्राप्त हुए। और दोस्तों एक कंपेयर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जैसा आप ये ईंटें हल्के भी हैं, ये हल्के भी हैं इन कंपेयर टू उसके, वो लगभग 3 किलो का है, ये लगभग 1.5 किलो का, आधे का अंतर है, ठीक है। और इसकी मजबूती और जलन में तो जब बाइंडिंग हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा लगभग 6-7 घंटे आप गैस पर रख दोगे तब भी ये ईंटा जलेगा नहीं, इतना फुल प्रूफ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बाकी अपना कारवां जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।